नहीं हो पाते तब तक जाकर कि असंभव है, नहीं हो सकता। जब तक आईने के सामने नहीं खड़े होंगे अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। संतुष्ट महात्मा बुद्ध जिस प्रकार से संतुष्ट होते चले गए, बड़ा वैराग हुआ। उन्होंने एक ही स्त्री को देख करके सब स्त्रियों की समझ ले ली। उन्होंने एक ही महल को देख करके सब महलों का अनुभव ले लिया। वो तृप्त होते चले गए, सब कुछ छोड़ते हुए चले गए। उसी प्रकार से जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी का मन और बुद्धि बड़े रोड़े पैदा करते हैं रास्ते में। जो चीज हमारे पास आती चली जाती है उसका महत्व ही नहीं रहता। पहले कम होता है, फिर उसका महत्व मध्यम होता है, और फिर उसका महत्व समाप्त होता चला जाता है। आप अनुभव करके देख लेना, क्योंकि हम अनुभव बोलते हैं। हमने ये जो अनुभव लिया है ये आप सब लोगों से ही प्राप्त किया है। उसका अनुभव तह तक जाके देखा है हमने। जिसके चीज के लिए, वस्तु के लिए हम ललायित रहते हैं हर समय, एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकते, नहीं रह पाएंगे। अगर आप किसी ने उस परमपिता परमेश्वर से प्रेम किया हो तो आप अनुभव भी कर पाएंगे। क्या तड़प होती है प्राप्ति के लिए, क्या जुनून होता है, क्या चाहत होती है हृदय के अंदर। लेकिन जब वही वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो उसका महत्व कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारी हो ही गई। हम बढ़ने लगते हैं दूसरी वस्तु की ओर जो हमारी नहीं है। हम भूलने लगते हैं थोड़े ही दिन बाद जो हमारी हो गई उसको, तो हम भूलने लगते हैं वस्तु को, और जो हमारी है नहीं उसकी प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाने लग जाते हैं। यहाँ संतुष्टि में बड़ा गहरा भेद हो जाता है। इसी कारण से मैं बार बार कहता रहता हूँ कि संतुष्ट होना बड़ा मुश्किल कार्य है। गोधन गज धन असो धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। पिछले जमाने में गौओं के रूप में धन माना जाता था। असाव को भी धन माना जाता था जिसका सेना में उपयोग किया जाता था, और गज हाथियों को भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता था। युद्ध में बहुत ज्यादा काम लिया जाता था उसे, और रतन अमूल्य माने जाते थे, हीरे जवाहरात। लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ माना गया है संतोष रूपी धन। जो संतोष रूपी धन जिसके हृदय में आ जाता है तो सब के सब धन धूल के समान हो जाते हैं। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं अपने जीवन से, और चाह पैदा होने लगती है और इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, और जो हमारे पास है उसको हम इग्नोर करने लगते हैं और उससे दूरी बढ़ाने की कोशिश करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा हो ही चुका है, उसका क्या महत्व है। महत्व तो तब तक था जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हुई। जिस प्रकार से यूनान के अंदर एक वरदान लिया सम्राट ने, बड़ी तपस्या की, उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि जिस भी वस्तु को मैं छूं वो स्वर्ण की हो जाए। उन्होंने वरदान ले लिया, आ गया वो अपने राजमहल के अंदर। वो जिस भी वस्तु को छूता वही स्वर्ण की हो जाती, सिंहासन से लेकर के खाने पीने की वस्तुओं तक। वो बड़ा तड़पने लगा,
बड़ा रोने चिल्लाने लगा, लेकिन कोई समाधान तो हो नहीं पा रहा था। सब दूरी बनाते चले गए उससे, सब दूर हटते चले गए, बच्चे, स्त्री, मंत्री, महामंत्री, हर कोई उससे दूरी बनाने लगा कि कहीं ये हमें ही न छू दे और हम भी शरण के न बन जाएं। आप सोचते होंगे कि शरण कोई बहुत अच्छी धातु है, बहुत से लोगों को हमने ये भी कहते सुना है कि उसकी तो शरण जैसी काया है, लेकिन जब ये काया स्वर्ण की हो जाएगी तो इसका महत्व ही क्या रहेगा, क्या कर पाओगे, क्या चल पाओगे, क्या इसका उपयोग कर पाओगे। आप नजर मार के देख लीजिए, अगर इस शरीर को स्वर्ण का कर दिया जाए तो आपके क्या हालात होंगे आप नहीं समझ पाओगे। एक पत्थर में और स्वर्ण में कोई भी भेद नहीं रह जाएगा, एक लोहे में और स्वर्ण में कोई भी भेद नहीं रह पाएगा। जब छोटी सी बीमारी के अंदर ही इतनी तड़पना लग जाती है तो अगर पूरे का पूरा शरीर ही स्वर्ण का बना दिया जाए तो क्या कर सकोगे आप, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस शरीर की कोई कीमत है नहीं, जिसका एक एक सांस हम व्यर्थ ही गवाते चले गए, एक एक पल हमने व्यर्थ खो दिया। जब हमने उस परमात्मा का भजन नहीं किया तो हमने सारा समय व्यर्थ गवा दिया, हमने उस परमात्मा से तार नहीं जोड़ा, उसे डोर नहीं जोड़ पाए, तो हमने सारा सब कुछ व्यर्थ गवा दिया। आशाओं के अंदर, इच्छाओं के अंदर हम अपने को नहीं रोक पा रहे, हम बढ़ते चले जा रहे हैं, दलदल के अंदर, कीच के अंदर फंसते चले गए, संसार के अंदर, इच्छाओं के अंदर, आशाओं के अंदर, सब कुछ भंग होता चला गया। लेकिन जब समझोगे तभी सवेरा आ जाएगा। इस आत्मा और शरीर के अंदर बड़ा भेद है, क्योंकि जिसको आप जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप लंबे समय तक जानना चाह रहे हैं, जिससे आप भोग भोग रहे हैं, वो तो पहले ही मरा हुआ है, वो तो प्रकृति का है। और प्रकृति के अंदर अगर पुरुष नहीं है, वो चेतन नहीं है, तो है क्या इस शरीर के अंदर, कुछ भी नहीं। ये शरीर तो पहले ही मरा हुआ है, जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी आयु बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको सुख देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी इतनी देख रेख कर रहे हैं, जिसको इतना संभाल रख रहे हैं।